जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से एक खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रसार प्रचार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दामोदर दास मोदी तथा राष्ट्रीय संगठक जय घोष महाराज की संस्तुति पर हिंदू संगठन के नेता अंचल अड़जरिया को कानपुर बुंदेलखंड प्रांत का क्षेत्रीय महामंत्री तथा मनीष साहू को प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। बुंदेलखंड व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सुभाषगंज स्थित कार्यालय में दोनों पदाधिकारियों का स्वागत कर हर्ष उक्त किया गया। इस दौरान अंचल अड़जरिया ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन वह लग्न और मेहनत के साथ पूरा करेंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। अंचल अड़जरिया, आज आपको काहे का पद मिला भाई साहब और क्या करेंगे आप? क्षेत्रीय महामंत्री प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना कानपुर बुंदेलखंड प्रांत मुझे बनाया गया है और इसमें प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी 128 योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार और उनका लाभ आम जनमानस को कैसे मिले इसके ऊपर फोकस करना है और इस लाभ को अधिकारियों से कैसे दिलवाया जाए और इसमें होने वाले जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए, ये सब काम इस योजना के माध्यम से इसके माध्यम से हम करने का काम करेंगे और आम जनमानस को जो योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के सीमित रह जाती थी कुछ दलालों के हाथों तक, उसको आम जन तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के द्वारा किया जाए। आपका नाम? विजय जैन, प्रदेश अध्यक्ष जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल। आज क्या कार्यक्रम था भाई? आज एक बड़ी हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए, जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल के लिए भी, कि हमारे एक जुझारू सामाजिक नेता अंचल अर्जिदिया जी को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है महामंत्री। इसमें अब जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जिनका आम जनता को पता नहीं चल रहा था, इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए इनको मनोनीत किया गया है। अब आम जनता को उन योजनाओं का लाभ मिलेगा और पूरी जो समाज जिसके पिछड़ रही थी या अधिकारी जो काम नहीं कर रहे थे, जुझारू नेता के आ जाने के कारण अब वो अधिकारी भी काम करेंगे और लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।